प्याज के पकौड़े बनाए, आलू के पकौड़े बनाए हैं, ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। सारी अफ्तारी सबके रेडी हुई और सना यहाँ पर सबके लिए शरबत लेकर आ रही है और अभी सब दुआ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना होता है इसकी वजह से तभी पढ़ रहा ओ हे गाइस वेलकम बैक रिजन व्लॉग्स तो नई वीडियो के साथ। और अभी मैं नमाज पढ़ के जस्ट अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए क्योंकि जब से मैं सना के आपने वीडियो देखी होगी सना की उस दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए सना के चक्कर में मुझे भी आप लोगों ने इतना नेगेटिव बोला, हो सकता है किसकी बात कब लग गई होगी इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो आप लोग दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए क्योंकि रोज़ा रमजान का समय है। मैं नहीं चाहती कि रोज़ा एक भी टूटे, मैंने अभी तक तोड़ा नहीं। मैं इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने अपना एक रोज़ा नहीं तोड़ा है। तो अभी मैं आज सोच रही मम्मी के घर जाने के लिए तो मैंने सना को फ़ोन किया था कि मैं घर आ रही, तो वो अभी अफ्तारी बना रही है तो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। तो अभी 5:30 हो चुके हैं, मैं आसिफ का वेट करती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे फ़ोन कर रही है मगर मैं नहीं जा पाई। तो वानू अरहान तीनों, अभी आसिफ आया तुम हमें लेके जाएगा, तीनों यहीं बैठे हुए हैं तभी हम जाएंगे। और अभी मेरी सना का थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेकर फिर मैं घर जाऊंगी। और आप लोग बोल रहे थे मम्मी पापा से बात करो तो मैं अभी घर जाऊंगी तो मम्मी पापा से बात करूंगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अभी तो ये मुझे छोड़ देगा, पहले मैं दवाई लूंगी अपनी, सना का सामान लूंगी उसके बाद जाऊंगी। और ये दोनों देखो बदमाशी कर रहे हैं, चलो चलो लेट करवा लो, सामान नहीं देना मेरे को, चलो ठीक हो गया। हाँ कर दिए, पहुँच चुके हैं कौन आया? हाँ मैं पहन लूंगा पैंट, मैं पहन लूंगा, अपने मन से पहन लिया पैंट। ये इसको देखना पैंट पहना हुआ है, पैंट बाजी। मम्मी के घर आने चक्कर में पैंट पहन के आ गया, ये बोला पहन लूंगा मैं, खेल रहा पैंट पहन के। पैंट खोल दे, लगेगा ना पैंट ताल नहीं लग रहा है, उसको टेढ़ा कर लिया ना पैंट को, नहीं लग रहा है। तभी हम पहुंच गए मम्मी के घर, मम्मी है ना बाजी से बात कर रही है फोन पे। गाइस अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ, मम्मी सॉफ्ट हो गई अरहान को देखिए क्योंकि अरहान की तबीयत खराब थी इसलिए। तो मम्मी कह रही अरहान कैसा आ गया, इस चक्कर में मम्मी घर में आ रही थी। और गोल्डी ये देखो फोन पे मम्मी बात कर रही है और मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ। मेरी मम्मी नमाज पढ़ के अभी हाय गोल्डी देख ले अरहान देख आ गया ना पैंट पहन के, अभी तुरंत माजी थी अफ्तारी लेके गई। अच्छा तुरंत लेके गई कौन गई बुलबुल? हाँ। अच्छा तभी ही ना गई है मस्जिद। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दिया हूँ किचन में कौन है जो अफ्तारी बना रहा है। तो ये देख सकते हैं ये रिसना और इस टाइम अफ्तारी बना रही है। अरहान जब आने के चक्कर में पैंट पहन लिया, मैं सोच नहीं लेके आऊँगी मैं मुझे पता था नहीं पहनेगा तो डर रहा था, फिर बोली ना बानू को लेके जा रही हूँ, फटाफट पैंट पहन लिया। तो चले क्या बना रही सना? ये गाइस प्याज का है ना, तो ये प्याज के पकोड़े बन रहे हैं। और सना मेरे आने की खुशी में ब्रेड पकोड़े, आलू पकोड़े, हैंड्स अप हैंड्स अप, ये सब बने हैं। अरे अरे ऊपर खेल लड़ाई करते दोनों मिलके, ठीक है जाके बैठो बैठो, इसको परेशान नहीं करो। तभी बना रही है ये सना, क्या कहना चाहती है बता? कुछ नहीं, नमाज पढ़ लिया तूने? हां पढ़ के आई हूं। तो मैं भी गाइस नमाज पढ़ के आई हूँ, अपनी दवाई भी ले ली, तेरा सामान भूल गई लेना। कौन सा? जो तुम मंगवाई थी बाद में ला दोगे है ना, इस बार तू आ जियो ना घर, ले भी लियो मिल भी लियो है ना। गाइस सना ना पकोड़े वकोड़े बहुत अच्छे बनाती है, टेस्टी बनाती है, आप लोग क्या कर सकते, खा तो सकते नहीं हो। पता है इन लोगों ने मुझे कमेंट किया ना इसलिए मेरी तबीयत खराब हुआ है, मजा नहीं कर रही हूँ। सना कुछ कहना चाहती है तू? नहीं फिलहाल तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो गाइज आप लोग ऐसे से कमेंट मत करो ना सना को ना मुझे, ठीक है? अभी आपको कुछ पता नहीं है, जब आपको पता चलेगा तो आप लोग हंसोगे हमारे पे। अभी कुछ बोल नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट नहीं करो, ऐसी सी बात है ठीक है। और हमारे रोजे चल रहे तो आप अच्छी अच्छी अच्छे से कमेंट करो, बोलो कि हम लोग अच्छे से रोज़ा पूरा रख सकें और नमाज कुरान शरीफ मुकम्मल कर सकें, ये सब अच्छा अच्छा बात बोलो, बस ये कहना चाहती हूँ। और सना अभी कुछ बोल ले रही है, बोले यार क्या बोलूँ, पकौड़े बना रही हूँ, देखो गाइस मैं पकौड़े बना रही हूँ, मेरे पकौड़े। सना हीना चली गई, मैं लेट हो गई अफ्तारी मस्जिद में ना, हीना रोज अफ्तारी बनाती है, अभी ये पकौड़े बना रही है। क्या सब मैं पकौड़े बना रही हूँ, मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए, आलू के पकौड़े बनाए, प्याज के पकौड़े बनाए।
बनाए हैं। इसको बंद कर दो, तुम बंद करो। हाँ अब बोल। तो गाइस मैंने अभी प्याज के पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े बनाए हैं, ब्रेड के पकोड़े बनाए हैं, छोले बनाए हैं, फ्रूट कटे हुए हैं। और ये ना भी मस्जिद में सब कुछ देने के लिए अफ्तारी, क्योंकि हमारे में अफ्तारी देना अच्छा होता है, तो इसलिए देने के लिए गई है। और बाकी हम अफ्तारी करेंगे, रोज़ा जब खुलेगा तो बाकी वीडियो बन जाएगा। हाँ मैंने अचानक प्लान बनाया गाइस, अभी बज गए छः बज गए। मैंने असर का नमाज पढ़ गया, सना ने असर का नमाज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मगरिब का नमाज। और तो वो भी चौथा रोजा है गाइस। और जो जो मतलब रोजा रख रहा है उसको बताओ कि उसने कितने कुरान शरीफ मुख कर लिया है। मैं पता कौन से पहाड़े पे, मैं आपको बताती हूँ, मैं हूँ 15वें पहाड़े पे पे आ गई। तो चौथा रोजा है मेरा गाइस, चौथा रोजा 15 पहाड़ा समझते हो, क्योंकि गाइस इसको जाना ही पड़ता है। इसी वजह मेरा गाइस दो ही पहाड़ा हुआ अभी तक में, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी दो दिन से। लोगों ने जो कमेंट किया रवीना को, उसके वजह से रवीना की तबीयत खराब हो गई है, तो प्लीज ऐसे गंदे कमेंट ना करें। हाँ अभी रोजे चल रहे, अच्छे से कमेंट करो, क्योंकि तबीयत ठीक होगी तभी तो मैं रोज। हाँ आ जा रहा, तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी तभी तो मैं पढ़ पाऊंगी ना। मेरा मेरे कुरान शरीफ दूसरा पहाड़ा भी मैंने पढ़ा, तीसरा भी बाकी, चौथा रोज हो गया, हो नहीं पा रहा, तबीयत इतनी ख़राब है। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो मैंने सना को बोला कि मैं आती हूँ घर पे, तो साथ में आज रोजा खोलेंगे। तो मैंने रवीना को बुलाया हुआ, रवीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, हाँ। तो इसलिए मैंने रवीना को बोला कि आज अफ्तारी यहीं पे करें, वो अपने घर बुला रही थी हमें, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा तू मत बना, आज तू मेरे घर पे आ, तो फिर मैं अपने हाथों से बना। हाँ तभी सना बना ली, जब बना लेगी फिर उसके बाद पर जो करेंगे सब कुछ दिखाऊंगे, ब्लॉग में बने रहना आप लोग। फरहान अभी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है मेरे पे, इरिटेट कर दिया इस बंदे ने। मम्मी फोन में बात कर रही है, क्या हुआ है? तो गाइस अभी मैं जस्ट घर आ चुकी हूँ, ये लोग इतना शोर करेंगे मुझे ब्लॉग बना रहे। हाँ क्या लिखना, क्या लिखना? अच्छा तो गाइस अभी मैं घर आ गई, मेरे नाक पूरा जाम हो रखा है इस टाइम पे, तो मैं आ नहीं रही थी, तो बस सना ने कहा आ जा, तो इसलिए आ गई। और मैं भी मैंने भी सोचा है घर पे सबको फैमिली को बुलाऊंगी, तो आप लोग देखना ज़रूर। और मैं सुमेश को भी बुलाऊंगी अपने घर, वो वाला ब्लॉग भी आप लोग देखना, अफ्तारी के लिए बुलाऊंगी सुमेश को। बाकी गाइस वीडियो को पूरा देखना, और जल्दी सबको आपको पता चलेगा, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, बॉडी वॉडी पूरा पेन हो रहा है मुझे, जस्ट दवाई लेके आई हूँ। और मम्मी सबको थोड़ा मिलवाती हूँ, बात कराती हूँ मम्मी से। तो गाइस मेरी मम्मी क्या कहना चाहती है, आज रोजा कैसा लग रहा है? मम्मी गाइस मेरी मम्मी पूरा रोजा रखती है, नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, तबीयत कितनी भी खराब हो मतलब भी रखती है। अभी मम्मी की तबीयत खराब है, उसके बाद भी मम्मी ने एक भी रोजा नहीं तोड़ा है, तो समझ सकते हैं जो तबीयत जो सह सकता है वही इंसान हो जाए, तो साल में एक बार आता रखना जरूरी है। तो अभी यहाँ देखा आप सोच करते हैं इसमें क्या, नीचे में मम्मी चाकू दरवाजे पे आते हैं। अच्छा वाटरमेलन है। और मम्मी कुछ कहना चाहती है? दो ये बात, रोजे में बिना मेकअप के भी ऐसा लगता है ना, फेस अच्छा लगता है, मतलब कि नूर आ जाता है ऊपर वाले का, जैसे हम लोग मुँह हाथ धोते हैं, बिना मुँह हाथ धोएंगे ना गाइस तभी। हाँ रोजा मम्मी मेरी मेरी जो सिस्टर है ना हीरा, वो तो हमेशा मतलब मम्मी कहती मम्मी भेज दे, तो 300 दिन मतलब जाता है हमारे पीछे। हम और ऐसे भी रोजे में क्या क्या मतलब ना गरीबों में देना होना, मस्जिद में भी पहुंचाना, ये सब करते हैं। मेरे पास अगर मैं टाइम नहीं मिलता, मतलब कि टाइम तो मिलता है मैं भिजवा सकती हूँ, बट मैं अकेली रहती हूँ, तो आज सिर्फ संडे दिन घर पे रहता है, तो मैंने संडे वाले दिन घर पे अपना मस्जिद में भिजवाया था। अब संडे आएगा तो भिजवाऊंगी, तो मैं रेगुलर नहीं भेज सकती क्योंकि कोई है ही नहीं पहुँचाने वाला, इसी वजह से। तो अभी यहाँ पर सब कुछ रेडी हो जाएगा फिर दिखाती हूँ आपको। बाकी मम्मी क्या बोलेंगी, सबको सलाम कर, सबको अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब बोल ना, रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक हो सबको, रमजान में जो है ना अच्छे से इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इबादत करो अच्छे से, रहमत का दिन है, अल्लाह ताला का दिन है ये, जितना हो सके जितना हो सके इतना इबादत करो, ये साल में एक बार आता दिल से करो इबादत। ये नहीं रख लिया हो गया, रखने से अपना दिल से इबादत करो और ऊपर वाले को याद करो, तभी रोजा माना जाएगा। भूखा तो कोई भी रह सकता है, रोजे का मतलब है साथ साथ पढ़ना भी। गाइस जानते हो 15 दिन में मुकम्मल करने वाली लड़ी पूछ लो सना से, झूठ बोलता ना सर बता, मैं 15 दिन में कर लेती हूँ ना,
मैं सना हीना कोई छोटे छोटा मैं हीना तीनों करते हैं, बट मेरी तबीयत खराब हुई इसलिए अभी हुआ। मैं करूंगी, ऐसा पता नहीं करूंगी, थोड़ा लेट ही सही मगर मुकम्मल जरूर करूंगी, इतना मैंने सोचा हुआ है। क्या नहीं, ये लोग इतना बहुत परेशान कर रखे हैं, इरिटेट कर दिया। क्या हुआ? हाँ, ये जो लड़के का कलर होता है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता, ठीक है? बता ना, ये लड़का का कलर होता है ना, कौन सा? ये ब्राउन। हाँ, ये लड़की का, तो ये बोला लड़का का, कोई बात नहीं, खा ले। इसे देखो, इसे मुंह पे लगा ले। दादा बुलाती, दादा खुश हो जाएंगे हम को देख। मेरे को भी खाना है। पापा का, मम्मी हाँ पूछती हूँ, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा, पापा कहाँ है? पापा, पापा पता नहीं, फोन करती पापा। तो गाइस अभी हीना आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। तो सर हीना आ गई है अफ्तारी देकर, देना कौन आया? आने के चक्कर में जानती पैंट पहन लिया, ये बोली नहीं पहनेगा, पहन लिया। हाँ, सबकी अफ्तारी रेडी हो चुकी है और टाइम हो चुका है, 2 मिनट बाकी है, तो मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो सारी अफ्तारी सबकी रेडी हुई है और सना यहाँ पर सबके लिए शरबत लेकर रही है और अभी सब दुआ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आप पहले भी गाइस, पहले अफ्तारी खोलने से पहले 2-3 मिनट 5 मिनट पहले बैठ के दुआ हुआ मांगे आप लोग, और यहाँ सबके लिए शरबत लेकर रहा है। ये सबसे सबकी अफ्तारी होगी। तुझे पीना? हाँ नहीं, मैं तो सूंघूंगी, पीऊँगी थोड़ी। पूछ रही भाई, रोज़ा मैंने भी रखा है, आराम से थोड़ा मत दियो। हीना तो खाती नहीं है, तो ये सिर्फ फ्रूट खा रही लग रहा है, इसके आगे फ्रूट रखा हुआ है, फ्रूट ही खाएगी। ये बर्फ डाल दे। किसका है? अच्छा, ऐसे अलग से रखा हुआ है यहाँ पर, मेरे लगा सिर्फ फ्रूट रखा है, फ्रूट खाने। मम्मी बता रही हूँ, ये गाइस ये भी ज्यादा नहीं है, इतना गाइस पूरे तो भूखे रहेंगे। पकौड़ा फोड़ा है, क्या हुआ? ठंडे जग मत लियो। नहीं, सब गिलास में दूंगी। तो ये सब अभी हम बैठ चुके हैं, बाकी पहले दुआ करेंगे, उसके बाद ही बोल बोल बता ना, दुआ करना चाहिए कि खैर और बरकत के लिए, हर चीज के लिए दुआ करना चाहिए। मतलब बैठ के पहले थोड़ी देर बैठ के कुछ मांग ले, पढ़ ले, है ना, पढ़ ले, अपने लिए किसी के लिए मांग ले। अपने लिए तो कभी मांगना नहीं चाहिए, दूसरों के लिए मांगना चाहिए। मैं अपने लिए गाइस यहाँ पर टूट जाएगा। अच्छा, ये लड़की जब तो इसमें दो मिनट गया, सब लोग अफ्तारी आ चुकी है। हेलो, मैं भी बैठ गई यहाँ पर अफ्तारी खोलने के लिए। अभी मैं कुछ नहीं बता देती, मैं रोजा में बैठी हूँ, जल्दी करो। दुआ मांगती हूँ, मैं तो ठीक है। पार्टी निकल, निकल दे। क्या निकल दे? मैं कभी चटपटे बनाया और ऐसे में तिबित खाए, मुँह फीका हो रहा है, तो ये खा के ना अच्छा लगा। खा के मम्मी खा रही है, ये मेरा रखा हुआ, मैं खा लेती हूँ। तो गाइस मैंने देखो सारा चीज़ मिक्स करके खाया है, मुझे पसंद है मिक्स करके खाना। बेल पूरा खाएगा ना? हाँ, सारा मेरे को आधा ले, पूरा छीन लिया। खा
मगरिब की नमाज़ पढ़ी जा रही है, मैं भी फटाफट पढ़ लेती हूँ। और यहाँ भी नमाज़ पढ़ने की तैयारी चल रही है, मम्मी बैठ गई पढ़ने के लिए। अभी हम सब नमाज़ पढ़े थे, मैं जय नमाज अभी खाली नहीं है ना, पढ़ लेगी तो फटाफट मैं ही पढ़ूंगी। उस टाइम का नमाज ऐसा होता है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, इसकी वजह से तभी पढ़ लूँगी। गाइस देखो रवीना यहाँ पर नमाज पढ़ रही है, साथ में हमारा अरहान टूटू वो भी देखो नमाज पढ़ रहा है, देख सकते हो। जबरदस्ती नानी घर जाने चक्कर में बोला मैं पहन लूंगा आगे। नहीं पापा तेरा मेरी बाबी चीज दिलाई मेरे लिए क्या पापा के लिए जा डंडा उठा के क्या ना बोली कहा रखी थोड़ा दिखाओ ना बहुत धीरे तो बहुत धीरे सही बता क्या हो पापा मम्मी उदास बैठी है।